हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल यूके टेक में। दोस्तों, अगर आप अपने कंप्यूटर का डेली यूज़ करते हो या फिर उसमें डेली वर्क करते हो तो आपको साल में एक बार कंप्यूटर सर्विस करवा ही लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साल में एक बार कंप्यूटर सर्विस कराते हो तो आपका जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड कभी स्लो नहीं होगी या फिर आपका कंप्यूटर कभी भी हैंग नहीं होगा और उसकी जो स्पीड है वो एकदम नए जैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर घर बैठे सर्विस कैसे करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस पत्र को अच्छी तरह से खोल लेना है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हो मैं गीगाबाइट का H61 मदरबोर्ड यूज़ करता हूँ जिसमें 4GB रैम और इंटेल कोर i3 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं इसमें बहुत हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेता हूँ। मेरे कोई दोस्त मुझे बोलते हैं कि भाई हमारे पास तो कोर i5 का प्रोसेसर है, फिर भी हम इतनी हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पाते, यार तुम कैसे कर लेते हो। इसके बाद आपको इस पावर कनेक्टर को निकाल लेना है। देन इसके बाद में हमको इस CPU फैन को खोलना है। दोस्तों, आप देख सकते हो इसके आजू बाजू में आपको 4 लॉक्स दिख रहे होंगे। इन सभी को आपको अपने बाएं हाथ की तरफ घुमा के इनको एक एक लॉक्स को खोल देना है। जैसे कि मैं खोल रहा हूँ, आप देख सकते हो। इसके बाद में आपको इन चारों लॉक्स को एक एक करके हाथ से ऐसे ऊपर खींचना है और आपको इस फैन को आहिस्ता निकाल लेना है। दोस्तों, फैन निकालते हुए इस बात का ध्यान रखना कि इसके जो लॉक्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं। याद रहे कि एक भी लॉक्स टूटने ना पाए। अगर मान लो एक भी लॉक्स टूट जाता है तो आपका जो फैन है वो अच्छी तरह से इंस्टॉल नहीं होगा और आपका जो प्रोसेसर है वो हीट हो सकता है और हीट होने की वजह से आपका जो CPU है वो स्पीड नहीं देगा। दोस्तों, आपको ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत आराम से खोलना है इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमने CPU फैन खोल लिया है। अब इसके नीचे आप देख रहे हो, ये है हमारे कंप्यूटर का प्रोसेसर दोस्तों, और इसके ऊपर आप देख रहे हो ये हीटसिंक पेस्ट लगाया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन ये जो पेस्ट है ये कुछ देर बाद सूख जाता है और सूख जाने की वजह से हमारा जो प्रोसेसर है वो हीट होने लग जाता है। तो हमें इसके ऊपर अभी हीटसिंक लगाना है। हीटसिंक लगाने से पहले दोस्तों, आप देख सकते हो हमारा जो मदरबोर्ड और हमारा जो CPU है उसके अंदर बहुत धूल मिट्टी और डस्ट जमा है। दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होता है इसके अंदर बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर, रजिस्टर और मॉसफेट होते हैं, और अगर इसके ऊपर धूल मिट्टी जम जाए तो ये ज़्यादा हीटिंग होने लग जाते हैं। हीटिंग होने की वजह से हमारा जो मदरबोर्ड है वो स्लो चलता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस डस्ट को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। दोस्तों, अगर आपके पास ब्लोअर मशीन है तो और भी अच्छा है। ब्लोअर मशीन से क्या होता है, ये जो डस्ट है ये पूरी तरह से साफ हो जाता है और हमारा मदरबोर्ड एकदम क्लीन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम भी इसको ब्लोअर मशीन से साफ कर लेते हैं। आप देख सकते हो मेरे पास ब्लोअर मशीन है। ब्लोअर मशीन से इसको आपको पूरी तरह से साफ कर लेना है। आप मेरे हाथ में इस पेस्ट को देख रहे हो, इसे कहते हैं हीटसिंक। आपको अच्छी तरह से इसको अपने प्रोसेसर के ऊपर लगा देना है। दोस्तों, हीटसिंक की वजह से क्या होता है, हमारा जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा हीटिंग नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद में आपको CPU फैन को फिर से इंस्टॉल कर देना है। याद रहे कि जैसे हमने इसको खोला था, पहले हमने इसको इसके जो लॉक्स है उसको बाएं हाथ की तरफ घुमाया था। अभी आपको क्या करना है, लगाने से पहले इन चारों लॉक्स को अपने दाएं हाथ की तरफ घुमा लेना है और घुमाने के बाद सबको ऊपर खींच लेना है हाथ से, और हाथ से खींचने के बाद एक एक लॉक्स को आपको इसे मदरबोर्ड में फिटिंग कर देना है। आप देख सकते हो जैसे कि मैं करता हूँ। दोस्तों, अगर आप ये सभी प्रोसेस पूरी कर लेते हो तो आपका जो कंप्यूटर है वो एकदम नए जैसा हो जाएगा और उसकी स्पीड एकदम बूस्ट हो जाएगी।